नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विषय के अंतर्गत डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव पर हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर मेथड का अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम रेशियो डिटेक्टर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। दोस्तों, अगर हम रेशियो डिटेक्टर की बात करें तो दिस इज़ आल्सो अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड डिमॉड्यूलेशन, एफएम डिमॉड्यूलेशन जिसे बोलते हैं, जिसमें कि हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को रिकवर करते हैं फ्रॉम कैरियर वेव। तो उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हमने स्लोप डिटेक्टर, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर, अब हम रेशियो डिटेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो दिस रेशियो डिटेक्टर इज बेसिकली इट इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर एंड इट इज़ वाइडली यूज इन एफएम डिमॉड्यूलेशन। इस रेशियो डिटेक्टर को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर को ही मॉडिफाई करके रेशियो डिटेक्टर में कन्वर्ट किया गया। इसमें देखें तो ये सर्किट आपको कुछ काफ़ी हद तक फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर जैसा ही है। केवल इसमें तीन अंतर हैं, जिसमें डायोड की देखें तो पहले D1 और D2 दोनों की पोलरिटी सेम थी, लेकिन इस रेशियो डिटेक्टर में डायोड D2 की पोलरिटी को चेंज कर दिया गया, उसे रिवर्स कर दिया है। तो पहला तो एक अंतर ये आता है इसके अंदर। दूसरा, जो आउटपुट हम लेते थे वो आउटपुट हम इस फिल्टर के बाद लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर C3 और C4 लगे हैं उसके बीच सेंटर पॉइंट और जो रेजिस्टेंस R लगा हुआ है उसके सेंटर पॉइंट के बीच में हम आउटपुट मेज़र करते हैं। और तीसरा अंतर यह है कि हमने आउटपुट पर एक लार्ज वैल्यू कैपेसिटर C5 कनेक्ट किया है। बाकी सारा सेम है कि प्राइमरी से सेकेंडरी पर हमने बाईपास कैपेसिटर यूज किया है, जो इसको एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है, और ट्यूनिंग सर्किट 1 की जो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है सेकेंडरी पर वो VS1 है, दूसरे का जो है वो VS2 है। बाकी सब कुछ सेम है, बस ये कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है दोनों में। अब हम ऑपरेशन की बात की, कंस्ट्रक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया इसका। दिस सर्किट ऑफ रेशियो डिटेक्टर सेम, ओनली द डिफरेंस ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि D1 D2 में से D2 की पोलरिटी चेंज हो जाती है, और जो आउटपुट है वो हम R जो दो रेजिस्टेंस है उनके सेंटर पॉइंट और C3 C4 के सेंटर पॉइंट के बीच में लेते हैं। दूसरा एक इसमें कंस्ट्रक्शन इसका एडवांटेज ये होता है कि फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर के अंदर अगर नॉइज़ के कारण FM वेव के अंदर कोई एम्पलीट्यूड्स में चेंज वेरिएशंस आता था तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि हम उसे रिमूव नहीं कर पाते थे और हमें एम्पलीट्यूड लिमिटर्स लगाना पड़ता था, एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट लगाना यूज करना पड़ता था। लेकिन इस रेशियो डिटेक्टर में हमें कोई ज़रूरत नहीं है एम्पलीट्यूड लिमिटर यूज करने की। यहाँ इसमें ऑलरेडी ये प्रोविज़न है कि अगर कोई एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा तो ये उसको रोक देगा। ऑपरेशन की बात करें, ये कैसे काम करता है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेशियो डिटेक्टर इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। जैसे हमने कहा था कि डिस्क्रिमिनेटर सर्किट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो चाहे आप कोई सा भी सर्किट यूज करें उसमें कंसेप्ट सबका एक ही है कि आउटपुट सिग्नल की वोल्टेज इनपुट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। तो द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेशियो डिटेक्टर इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल लाइक फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर, जैसा कि फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर में भी होता था। द एम्पलीट्यूड ऑफ रेशियो डिटेक्टर इज जस्ट हाफ ऑफ द फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर, और इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर में का जो होता था उससे जस्ट आधा एम्पलीट्यूड इसमें होता है रेशियो डिटेक्टर में। फॉर टाइम बींग इफ R- एंड C4 इज नेग्लेजिबल, अगर हम ये मान लें कि R- को और C4 को हम नेग्लेजिबल मान लें, देन वोल्टेज VO1 एंड VO2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन फेज। उस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं हमारे पास VO1 VO2 डायोड से, वो दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे लेकिन फेज में अपोजिट होंगे। हैंस VR इज द सम ऑफ VO1 एंड VO2 अनलाइक फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर। तो उस कंडीशन में जो VR है वो VR जो VO1 VO2 का सम होता है, जबकि फोस्टर सिले में ऐसा नहीं होता था। तो VR इज इक्वल टू VO1 द मैग्नीट्यूड ऑफ VO1 प्लस द मैग्नीट्यूड ऑफ VO2। तो VO इज इक्वल टू VO1 में हमने क्या रख दिया, VT1 VT2। VO1 क्या है, टाइम वन T1 और T2 के बीच में जो वोल्टेज है वो VT1 है, और जो VT1 T2 है
और VT1 VT2 को जो अगर आप देखें तो ये वोल्टेज बिटवीन T3 T1 माइनस T3 T2 के बीच का जो वोल्टेज है वो VT1 VT2 है। तो VO जो हमें मिलता है वो VO2 माइनस VR/2, जिसमें VT31 VT2 की वैल्यू जो VO1 VO2 है और माइनस और VT3 माइनस VT3 T2 के बीच की जो वैल्यू है VR2/2 है। तो नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ VR इन इक्वेशन 2, इसमें VR की वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास VO इज इक्वल टू VO2 माइनस VO1/2। तो हमने ये कहा ना कि एम्पलीट्यूड इसका हाफ होता है, तो यहाँ देखें तो VO जो आउटपुट मिल रहा है वो जस्ट हाफ मिल रहा है पहले का उसका डिफरेंस। इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 3 द एम्पलीट्यूड ऑफ रेशियो डिटेक्टर इज जस्ट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर वाइल द करेक्टरिस्टिक सेम ओनली एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस। तो दोनों की करेक्टरिस्टिक सेम है, केवल उसका एम्पलीट्यूड केवल रिड्यूस होता है। ये हमने T1 T2 था, तो वोल्टेज बिटवीन T1 T2 अगर आप निकाल रहे हैं तो T1 और T3 के बीच का वोल्टेज और T2 और T3 के बीच का वोल्टेज आप निकालोगे, वो हम उनका डिफरेंस जो होगा वो यू विल गेट दी VT1 VT2। तो आउटपुट जो वोल्टेज हम निकाल रहे हैं VT1 VT2, ये है हमारा T1 और T2 के बीच का जो वोल्टेज है उसे हम कह रहे हैं यहाँ पर VT1 VT2, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दिस इज VT1 VT2। कंपैरिजन ऑफ रेशियो एंड फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर, हमने रेशियो डिटेक्टर भी पढ़ा, फोस्टर सिले दोनों में कंपैरिजन क्या है। रेशियो डिटेक्टर में वन डायोड पोलरिटी इज रिवर्स्ड एंड इट इज़ यूज्ड हाई वैल्यू कैपेसिटर, इसमें एक तो एक डायोड की पोलरिटी अपोजिट होती है, जबकि फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर में दोनों डायोड की पोलरिटी एक ही होती है, और इस रेशियो डिटेक्टर में एक हाई वैल्यू कैपेसिटर भी यूज़ किया जाता है आउटपुट पर। नो नीड ऑफ एम्पलीट्यूड लिमिटर्स, रेशियो डिटेक्टर में हम किसी भी एम्पलीट्यूड लिमिटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी जो एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है वो हमारा फोस्टर सिले का जस्ट हाफ है, तो जितना भी एम्पलीट्यूड में चेंज होगा वो ऑलरेडी सारा कवर हो जाता है हमें हाफ लेने पर। देर इज नीड ऑफ एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट एट द इनपुट ऑफ फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर, तो हमें फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर से पहले एक एम्पलीट्यूड लिमिटर्स लगाना पड़ता है, जो FM वेव में अगर किसी वजह से FM एम्पलीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है तो वो उसको लिमिट कर देता है। रेशियो डिटेक्टर हैज़ गुड लीनियरिटी, इट्स लीनियरिटी इज नॉट गुड एज कम्पेयर टू द रेशियो डिटेक्टर, तो फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर की जो लीनियरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इट इज़ यूज इन सच टाइप ऑफ इट इज़ यूज इन मोर क्वालिटी सर्किट वेयर गुड लीनियरिटी इज रिक्वायर्ड, तो इट इज़ यूज इन सच टाइप ऑफ सर्किट वेयर गुड लीनियरिटी इज रिक्वायर्ड, तो हम रेशियो डिटेक्टर का प्रयोग ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर लीनियरिटी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है, जबकि फोस्टर सिले को हम इट इज़ यूज इन मोर क्वालिटी रिसीवर्स, ज़्यादातर क्वालिटी रिसीवर्स में फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर को यूज करते हैं। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।